हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे ग्रामर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रेपोजिशंस। मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगी कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं और ये कैसे यूज किए जाते हैं, ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए और इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो, प्रेपोजिशन क्या होता है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखो, प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करते हैं। बुक इज ऑन द टेबल, ये बुक इज अलग है, द टेबल अलग है। अब हमें इस सेंटेंस को देखो, इससे पता चलता है कि बुक टेबल पर है। ऑन लगाने से हमें ये पता चल गया कि बुक कहां पर है, टेबल पर है। इस तरह से ये शब्द प्रेपोजिशन एक जो नाउन है उसका बाकी सेंटेंस के वर्ड के साथ रिलेशन हमें बताते हैं, और इनको हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले रखा जाता है। प्रेपोजिशन दो शब्दों के मेल से बना है, प्री पोजिशन। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थिति। जिस वर्ड की स्थिति नाउन और प्रोनाउन से पहले है वो प्रेपोजिशन है। इंग्लिश भाषा में इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को पहले रखा जाता है हिंदी और पंजाबी की तुलना में। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ आती है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल है नाउन और ऑन है प्रेपोजिशन, और ये कहाँ आया, नाउन से पहले, पहले पोजिशन है इसकी। उसी तरह अंडर द टेबल, जैसे कैट इज अंडर द टेबल, तो ये टेबल है नाउन और अंडर है प्रेपोजिशन, तो ये आया नाउन से पहले। उसी तरह इन द रूम, एट द डोर, ये सारे रूम डोर ये है नाउन, और इन एट ये है प्रेपोजिशन, और ये आ रहे हैं नाउन से पहले, मीन्स इनकी पोजिशन पहले है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे यूज किए जाते हैं। इनको चार तरह से यूज किया जाता है, टाइम के लिए, प्लेस के लिए, मैनर के लिए और पर्पस के लिए। टाइम शो करना है, चाहे ये बताना है कि कोई चीज कहां पर है, कैसे है या किसके लिए है, तो ये चीजें हमें प्रेपोजिशन के द्वारा पता चलती हैं। एग्जांपल देखते हैं कुछ। आई शैल कंप्लीट दिस वर्क बाय सनसेट, मैं ये काम सनसेट तक पूरा कर लूंगा। तो यहाँ पे सनसेट तक मीन्स टाइम हमें शो हो रहा है, टाइम इस टाइम तक ये काम पूरा हो जाएगा, तो ये है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। आगे देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, बुक कहाँ है ये बता रहा है हमें प्लेस, तो ये हो गया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। आगे, द वेजिटेबल वर कट बाय मी विद नाइफ, जो वेजिटेबल है वो मैंने नाइफ के साथ काटी, तो ये हो गया मैनर, वेजिटेबल कैसे काटेगी, नाइफ के साथ। दिस पेन इज फॉर यू, यह पेन तुम्हारे लिए है, मीन्स इसमें शो हो रहा है पर्पज, पेन किसके लिए है, किस लिए है, तो फॉर यू, तुम्हारे लिए है, ये हमारा प्रेपोजिशन पर्पज को शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह ये सारे प्रेपोजिशन कैटेगरी वाइज काम करते हैं, और बहुत से प्रेपोजिशन होते हैं जैसे इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, बिलो, अपॉन, अबव, अंडर, बहुत सारे प्रेपोजिशन है और उनके बहुत सारे यूज हैं। एक ही प्रेपोजिशन को टाइम के लिए भी यूज किया जा सकता है, मैनर के लिए भी यूज किया जा सकता है, प्लेस के लिए भी यूज किया जा सकता है, इसलिए इसके बहुत सारे रूल होते हैं। हम एक ही बार में सारे प्रेपोजिशन नहीं करेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको कैटेगरी वाइज करें, ताकि थोड़े थोड़े प्रेपोजिशन और थोड़े थोड़े उनके रूल आपके इजिली लर्न हो जाए, आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आज हम सबसे पहले करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जो जो प्रेपोजिशन आते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी और उनको कैसे यूज किया जाता है आज हम वो देखेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की कैटेगरी में एट, ऑन और इन ऐसे प्रेपोजिशन रखे जाते हैं जो बताते हैं कि कोई चीज कब होगी, जब होती है, जब हो रही है, जब कब हुई थी, जो भी हमें टाइम के बारे में बताएं वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। तो हम एक एक करके करते हैं और आपको बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट यूजेस हैं वो बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं एट। एट स्पेसिफिक टाइम के लिए, जब आपको स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो, जैसे शी गेट्स अप एट 6 o'clock, वह 6 बजे उठती है, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम है हमारे पास। और यहाँ पे आपको फिलअप दिया जाएगा, तो आपने यहाँ पे फिल करना है, जब आपके पास टाइम हो तो आपने फिल करना है एट। और देखो, द मूवी स्टार्ट्स एट 9:30,
एग्जाम बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम है, मूवी 9:30 पे स्टार्ट होती है, तो फिल करेंगे हम एट। एक तो हो गया ये स्पेसिफिक टाइम, दूसरा देखो पीरियड ऑफ टाइम दैट वी थिंक ऑफ एज पॉइंट, टाइम का पीरियड जिसको हम एक पॉइंट की तरह यूज करते हैं उसके लिए भी आप एट यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल विजिटर्स एट वीकेंड, आप हमें वीकेंड पे विजिट करो, वीकेंड है तो पीरियड, पर इसको हम एक पॉइंट की तरह यूज कर रहे हैं तो यहां पे आएगा एट। इसमें कई बार आपने ऑन भी लगाया देखा होगा, तो दोनों सही है। वैसे तो अमेरिकन इंग्लिश में ऑन यूज किया जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में एट यूज किया जाता है। हम ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हम एट यूज करते हैं। जब भी आपने किसी पीरियड ऑफ टाइम को पॉइंट की तरह देखना है तो आप एट लगाओगे। जैसे और सेंटेंस है, ज्वाइन मी एट ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन करो, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट एक पॉइंट की तरह यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे एट लगाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम हो गया, एक पीरियड है टाइम का जो पॉइंट की तरह यूज हो रहा है, और एक जो बिल्कुल स्पेशल है नाइट। जब भी हम नाइट के बारे में बात करते हैं तो एट यूज होता है। कि जो बाकी पार्ट है जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, उनमें हम इन यूज करते हैं, लेकिन जो नाइट है उसके लिए एट यूज होता है। कैसे? जैसे वी कैन सी स्टार्स एट नाइट, हम रात में स्टार्स देख सकते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे वी कैन सी स्टार्स इन नाइट, नो, वो रॉन्ग हो जाएगा। जो एट नाइट है ये एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही यही है। तो आपने नाइट के साथ एट को यूज करना है। ओके, ये था हमारा एट का यूज। आगे मैं आपको बताती हूँ ऑन का यूज। हम देखते हैं ऑन का यूज फॉर टाइम। देखो, टू शो डे एंड डेट, जब हमें कोई पर्टिकुलर डे या डेट दी गई हो तो हम ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वर यू डूइंग ऑन मंडे, आप मंडे को क्या कर रहे थे। कोई भी पर्टिकुलर डे है, डे जब आपने लिखना है तो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे, आपको पता ही है। तो कोई भी डे का नेम आ गया तो हम लिखेंगे ऑन। डे और डेट के साथ हमेशा यूज होगा ऑन। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ही विल विजिट यू ऑन फ्राइडे, मैं तुम्हारे पास फ्राइडे को विजिट करेगा, तो फ्राइडे फिर से डे है तो ऑन। हर बर्थडे इज ऑन 28 जून, 28 जून को उसका बर्थडे है, तो ये डेट है हमारे पास, डेट है तो ऑन। ओके, कोई भी पर्टिकुलर डे दिया है, डेट दी है, नेम दिया है उसका, तो हम यूज करेंगे ऑन। ये ऑन का टाइम के लिए यूज है। इसके बाद आएगा इन। इन का यूज टाइम में होगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का जो लंबा पीरियड है, जैसे यहां तो हमने दिन और डेट किया है, लंबा पीरियड है जो, जैसे मंथ है, ईयर है, डिकेड है, 10 साल का समूह होता है जो, सेंचुरी है, जहां कोई सीजन है, इस तरह के जब कोई पीरियड हमें लंबा दिखाना है तो उसमें हम इन को यूज करते हैं। जैसे माय बर्थडे इज इन नवंबर, मेरा बर्थडे नवंबर में है। ही वाज बोर्न इन 1990, तो वो 1990 में बोर्न हुआ। द म्यूजिक वाज ग्रेट इन 80s का म्यूजिक बहुत अच्छा था। यहाँ पे देखो मंथ आ गया, ईयर आ गया, ये डिकेड आ गया, दशक आ गया पूरा हमारा, 80 के दशक का म्यूजिक। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी है, एक लंबा पीरियड है, तो इन आ गया। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के मौसम में बहुत से फूल होते हैं, तो ये सीजन को शो करने के लिए भी हमारे पास इन है। इसी तरह से इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, या कोई आपके पास पीरियड हो जैसे इन 3 मंथ्स, इन 5 ईयर्स, इस तरह से भी कोई पीरियड है तो हम वहां पे इन को यूज करेंगे। मीन्स लंबे टाइम को शो करने के लिए हम इन को यूज करेंगे। अब एक आपको बिल्कुल छोटा सा आसान सा तरीका बताती हूँ ताकि आपको तीनों में कंफ्यूज ना हो। जैसे आप मान लो ये 3 बॉक्स हमारे तीनों प्रेपोजिशन है टाइम के, उनको शो करेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे ये छोटा बॉक्स, इसको मान लो आप एट के लिए, ये ऑन के लिए, और ये है इन के लिए। कैसे, जब बिल्कुल हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है तो हम एट यूज करते हैं, डे डेट है तो हम ऑन यूज करते हैं, अब पूरा बड़ा पीरियड है तो इन यूज करते हैं। जैसे ऐसे मानो
ये बॉक्स हमारे पास मंथ है, मंथ का ये बॉक्स है, इसके लिए हम यूज करेंगे इन इन दिस मंथ, इस पर्टिकुलर मंथ का आपको नेम दिया गया होगा तो हम यूज करेंगे इन, और उसके अंदर है डे और डेट, इस तरह से होते हैं ना हमारे डे और डेट, ये इसका छोटा रूप हो गया डे और डेट, इसके लिए हम यूज करेंगे ऑन। अब उसी डे और डेट में एक छोटा पोर्शन होगा टाइम का, एक दिन में जैसे 24 घंटे हैं उसमें अलग अलग टाइम है, तो टाइम के लिए हम यूज करेंगे एट, सबसे बड़ा मंथ उसमें आ गया इन, उसमें डे और डेट ऑन आ गया, डे और डेट में जो छोटा पीरियड है टाइम का, पर्टिकुलर टाइम है, उसके लिए एट आ गया। इस तरह से आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी कहाँ क्या यूज होगा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, रूल के साथ भी आपने इसको देख लेना है और आप इस तरह से टाइम पीरियड के हिसाब से भी इसको कर सकते हो ताकि ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा और बार बार इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।